यूपी में कुछ दिन पहले एक चूहे को पानी में डुबोकर मारने का मामला पूरी तरह से सुलझा भी नहीं है कि अब श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में एक बेजुबान जानवर को एक सनकी युवक ने थिनॉल डालकर एक बेजुबान जानवर को जिंदा जला दिया। ये घटना सरेआम सबके सामने हुई, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भला हो एक दूध वाले का जो कुत्ते की मदद के लिए आगे आया और कुत्ते की जान बचाई। प्रकरण हुआ यहाँ पे, यहाँ पर कुतिया में आग लगा दी गई थी, इधर जलती हुई इधर से आई जी, इधर मैंने जैकेट उतारी, जैकेट उतार के उसको बुझाया और सांस को उसको उतार के फिर उसको मैं चला गया। मेरे को इससे आगे नहीं पता तो कौन सी जगह है कि ये घटना है। एक सनकी युवक की इस हरकत पर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वहीं पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सनकी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात थाना सदर बाजार में एक स्ट्रीट डॉग को एक लड़के ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाल के जलाने का प्रयास किया। जब इसकी जांच की गई तो ये पाया गया कि उसमें कुत्ते ने पहले उसको काटा, फिर उसने गुस्से में ही उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के जलाने का प्रयास किया। इस संबंध में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उस युवक को हिरासत में लिया गया। वही एक स्थानीय युवक ने लिखित में इसकी शिकायत पुलिस थाने में दी है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी हैरान हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी घटना आज से पहले यहां कभी नहीं हुई। लगभग मेरे पास फोन आया कि एक स्ट्रीट डॉग है काले रंग की, वो यहां डॉक्टर चौहान थाने के सामने डॉक्टर चौहान का क्लिनिक है, वहां बैठी हुई थी। तो कोई ये है देवेश पुत्र उमेश अग्रवाल, निवासी सब्जी मंडी सदर बाजार मथुरा पड़ोस में रहते हैं। उनके बेटे ने उस फीमेल डॉग पर थिनर डालकर, उसने खुद एडमिट किया है कि उसने थिनर डाला है, थिनर डाल के उसने उसको आग लगा के जान से मारने की जघन्यतम अपराध किया है। एक पशु, बेसहारा पशु, बेजुबान पशु जो बोल नहीं सकता, अपना दर्द किसी से बयान नहीं कर सकता, उसके ऊपर उसने थिनर डाल के उसको जान से मारने की कोशिश की। बता दें कि मथुरा के थाना सदर बाजार इलाके में रात को देवेश नाम के युवक ने सो रही स्ट्रीट डॉग के ऊपर अचानक ज्वलनशील पदार्थ थिनॉल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद बेजुबान जानवर बुरी तरह से तड़पने लगा। लेकिन वो तो भला हो एक स्थानीय दुधिया का, जिसने अपनी जैकेट निकालकर कुत्ते पर डाल दी और आग को बमुश्किल से बचाया। आग लगने और कुत्ते को बचाने के दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान सनकी युवक मौके का फायदा उठाकर भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस से पूछताछ में सनकी युवक ने कहा है कि इस कुत्ते ने पहले मुझे काटा था, जिसकी वजह से मैंने इस घटना को अंजाम दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।